अलमेक वरहमल वरक मौज़द साम आज हम मौसमी के बारे में गुफ्तू करेंगे मौसमी में पाए जाने वाले अज्जा में फैट सोडियम कार्बोहाइड्रेट डाइट्री फाइबर शूगर प्रोटीन कैल्शियम, आयरन पोटाशियम विटामिन के विटामिन ई, विटामिन सी विटामिन बी कैरोटीन बीटा ए, एयामीन रैबोफ्लिव पेंटोथेनिक एसिड, नयासीन फॉलेट कोलीन, कॉपर, मैगनीशियम मैगानीस फास्फ़ोरस सिलीनियम और जिंक पाए जाते हैं मौसमी माल्टा मजाज के लिहाज से तर सर्द है फवाद में मौसमी माल्टा किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है मौसमी विटामस और मिनरल्स का हामिल है और ये विटामिन सी से भरपूर होता है मौसमी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और नज़ला ज़ुकाम से तहफ़ फ्राहम करता है जल्द के लिए भी मौसमी बहुत मुफीद है मौसमी जिसम में पानी की कमी को पूरा करता है और जिसम में खुशकी की वजह से मसल्स में कुड़ल पड़ना बंद हो जाते हैं और उनमें लचक पैदा करके मूवमेंट में आसानी पैदा करता है मौसमी अपने तर सर्द मजाज की बदौलत गर्मी और ख़ुशी की आलामात को ख़त्म करता है जिसमें मैदा की तजाबियत जलन दर्द और सोज़ को दूर करता है आँखों में जलन और सुर्खी को ख़त्म करता है गर्मी की वजह से सर दर्द को आराम देता है आंतों की सोजश डायरिया में मुफीद है पेच मरोड़ दर्द को खत्म करता है जिगर की हरारत को कम करता है यरकान में मुफीद है हिपाटाइटस में भी मुफीद है गुर्दों की सोजश को ख़त्म करता है और दिल के लिए फरहत का पैगाम लाता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है मसम्मी ये के अखराज के लिए नहाय मुफीद है मुरगन गज़ाओं के इस्तेमाल से सीने की जलन तजाबीत और प्यास की शिद्दत को मौसमी कंट्रोल करता है सन स्ट्रोक में मुफीद है निज़ाम इन हज़ाम को बेहतर करता है भूख लगाता है खाली मैदा इसका जूस पीना मैदा की सफाई का काम करता है मैदा की सोजश व अल्सर के लिए मुफीद है वज़न कम करने के लिए मुआवन साबित होता है मौसमी फास्फोरस और कैल्शियम की वजह से हड्डियों दांतों और टेंडेंस की सेहत के लिए मुफीद है विटामिन वजह से मौसमी आँखों के लिए नज़र की हिफाजत के लिए मुफीद है मसम्मी एंटी की वजह से कई किस्म के कैंसर के सेल्स को किल करके उनकी ग्रोथ को रोकता है और उसके हमला से हिफाजत फ्राहम करता है मसम्मी पानी और फाइबर की वजह से कब्ज़ रफा करता है इसी वजह से इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है मौसमी में पोटाशियम की काफ़ी मकदार मौजूद होती है जो दिल की सेहत के लिए बहुत अहम है और दिल की हरकत को मनज़म रखने में हेल्प करती है मौसमी तारसर्द मजाज का हमल होने की वजह से ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है मसूड़ों से खून रोकता है जुबान की सख्ती और सोजिश को ख़त्म करता है नज़ला जकाम को कंट्रोल करता है मुंह के अलसर में मुफीद है ज़ुबान फट जाए तो इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है मुसम्मी का रेगुलर इस्तेमाल मर्ज सुक्रवी से बचाता है और बवासीर के खून व सोजश और जलन दर्द को ख़त्म करता है पेशाब की जलन व सोजश को कंट्रोल करता है मुसम्मी का जूस स्ट्रेस का इलाज है मुसम्मी एंटी इंफ्लामेशन प्रॉपर्टी का हमल है जो जिसम की सोजिशों को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है मौसमी का जूस खाली मैदा पीना मैदा की सफाई करके फ्रेश करता है और भूख लगाता है हाजमा दुरुस्त करता है मौसमी का जूस एनर्जी फ्राहम करता है बीमारी के बाद की कमजोरी को तेज़ी से पूरा करता है मौसमी का जूस जल्द के लिए भी मुफीद है इसमें ग्लो पैदा करता है मौसमी का जूस झुर झुरिया पड़ने के अमल को सुस्त करता है इस तरह इंसान अपनी असल उम्र से कम उम्र दिखाई देता है मौसमी ओवरऑल बालों की मजबूती और सेहत के लिए बहुत अहम है मौसमी माल्टा एक से तीन अदद खाना पूरे दिन की ज़रूरत पूरी करता है मौसमी का जूस एक गिलास काफ़ी होता है खाना खाने के फ़ौर बाद जूस ना पीना ज़्यादा बेहतर है खाली मैदा पी लें या जब खाना खाए हुए तीन घंटे बीत चुके हों तब पी लें बच्चों के लिए बहुत मुफीद है और बूढ़ों के लिए तो आब हयात का सा असर रखता है ख़ीन मंथली सर्कल के दौरान इस्तेमाल न करें वीडियो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि मुफीद मालूम ज़्यादा से ज़्यादा हजरात तक पहुँचती रहे इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ अब इजाज़त चाहूँगा फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए असलकुम वरहल वर्का